कोलकाता में लेफ्ट कांग्रेस के हुंकार, ममता मोदी नहीं स्वीकार। किसने कहा कि बीजेपी की बी टीम है ममता बनर्जी? पीरजादा को मंच पर देखकर कौन हुआ अधीर? सियासी लड़ाई में कहां पर हुई घर वालों की पिटाई? बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं? आप देखिए टॉप नाइन बंग युद्ध। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में आयोजित रैली में लेफ्ट कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने हुंकार भरी। कहा बंगाल से ममता और देश से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, दीदी और मोदी दोनों का डीएनए एक है। रैली में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, सीताराम येचुरी, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी सहित कई नेता शामिल हुए। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि दीदी की सत्ता अब जाने वाली है, अब यहां हमेशा संयुक्त मोर्चा ही रहेगी। संयुक्त मोर्चा की रैली में शामिल पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी बीजेपी की बी टीम है, बंगाल की रक्षा के लिए अगर उन्हें खून भी देना पड़े तो वो तैयार है। बंगाल में कांग्रेस और आईएसएफ के बीच तकरार खुलकर सामने आ चुकी है। कोलकाता में पीरजादा के मंच पर आते ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भाषण बीच में छोड़कर मंच से जाने लगे। नाराज अधीर रंजन को वामपंथी नेताओं ने किसी तरह मनाया। बंगाल दौरे पर पहुंचे बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ममता बनर्जी और टीएमसी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा 2 मई को दीदी गई। शिवराज ने कोलकाता में कालीघाट मंदिर में दर्शन भी किए। बंगाल में सियासी घमासान के बीच सड़क पर हिंसक संघर्ष जारी है। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार के घर में घुसकर मां को पीट पीट कर अधवना कर दिया। गोपाल को भी चोटें आई हैं। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी पूरे दमखम से चुनाव प्रचार में जुट गई। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और दीवारों पर अपने चुनाव चिन्ह की पेंटिंग कर रहे हैं। बंगाल में फर्जी वोटर कार्ड बनने के टीवी 9 भारतवर्ष के खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ममता बनर्जी पर वहां के लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है, इसीलिए वो बांग्लादेशियों को वोटर बनवा रही हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के एडीजी कानून व्यवस्था जावेद शमीम को उनके पद से हटा दिया और उनके स्थान पर दमकल विभाग के डीजी जगमोहन की तैनाती कर दी है। इस तबादले पर टीएमसी आग बबूला है। उसने पूछा किसके इशारे पर कार्रवाई हुई है।